दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबाइए, और उसके साथ वो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल, दिस इज हर्षल मुदिराज, और आज का वीडियो है द बेस्ट कैव्स इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री। सो आज उन टॉप 5 बेस्ट बॉडी बिल्डर्स को मैंने पिक किया है, और मुझे लगता है कि इनके कैव्स की डेवलपमेंट बॉडी बिल्डिंग के हिस्ट्री में सबसे अच्छी थी। सो अगर मैं किसी एथलीट को मिस कर जाऊँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो 5th रैंक पे रखा है मैंने पैकमैन बेन पकोल्स्की को। सो बहुत लोग जानते होंगे बेन पकोल्स्की कौन है, ये बॉडी बिल्डर थे, अमेरिकन बॉडी बिल्डर है, और 2013-14 तक इन्होंने कम्पीट भी किया है। फिलहाल ये ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग शोज में आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि अभी ये अपने MI40 इंटेलिजेंस, जो MI40 जिम है, उसको प्रमोट करते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान है। सो आपने बेन पकोल्स्की को 2012 में जो जनरेशन आयन मूवी आई थी उसमें ज़रूर देखा होगा कि उसमें कैसे बेन पकोल्स्की ने अपना 2012 के मिस्टर ओलंपिया के लिए प्रिपरेशन किया था। सो बेन पकोल्स्की की ट्रेनिंग स्टाइल हम सभी जानते ही हैं कि बेन पकोल्स्की बहुत ही अच्छे फॉर्म के साथ और एक बहुत ही अच्छे टेक्निक के साथ ट्रेन करते हैं। ऑब्वियसली बहुत ही इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, लेकिन कभी इन्होंने अपना जो फॉर्म है वो कभी लूज़ नहीं किया। सो बेन पकोल्स्की जाने जाते हैं अपने मैसिव लेग डेवलपमेंट के लिए, जो आप इस फोटोज़ में देख ही सकते हैं, और स्पेशली कैव्स की बात करें तो मुझे लगता है मॉडर्न डे बॉडी बिल्डिंग में सबसे बेस्ट कैव्स किसी के होंगे तो वो बेन पकोल्स्की की थे। सो बेन पकोल्स्की को क्रिटिसाइज़ किया गया था इनके अपर बॉडी डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली इनके मिड सेक्शन के लिए और इनके आर्म्स के लिए। सो इनका मिड सेक्शन और इनकी आर्म की डेवलपमेंट कभी ऑन पॉइंट नहीं थी, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। इनके शोल्डर्स और इनके चेस्ट सबसे बड़े थे और सबसे बेस्ट कह सकते हैं हम। लेकिन कैव्स की बात करें तो कैव्स सबसे बेस्ट है मॉडर्न डे बॉडी बिल्डिंग में। सो बेन पकोल्स्की आते हैं मेरे 5th रैंक पे। सो 4th रैंक पे मैंने रखा है द नोटोरियस 6-टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन डोरियन येट्स को। सो बहुत लोग कहेंगे कि डोरियन येट्स की बैक डेवलपमेंट सबसे बेस्ट है बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में, और मैं भी ये बात मानता हूँ कि यस, डोरियन येट्स किंग है जब बात आती है बैक डेवलपमेंट की। लेकिन बहुत लोगों ने इनकी कैव की डेवलपमेंट को नज़रअंदाज कर दिया और बैक की इनकी मसल इतनी बड़ी है कि हमारा ध्यान कभी इनके लोअर बॉडी के ऊपर गया ही नहीं। सो डोरियन येट्स की अगर आप कैव की मसल देखें तो वन ऑफ द बेस्ट कैव्स थे इनके लेट 90s में, जब ये कम्पीट किया करते थे 1993 से लेकर 1997 तक। सो सबसे बेस्ट कैव की डेवलपमेंट, क्योंकि इनकी जो कैव की फ्लो है इनके क्वाड मसल और स्पेशली टीयर ड्रॉप मसल के साथ, वो बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही प्लीजिंग लगती है आई को देखने में। सो डोरियन येट्स भी बहुत इंटेंस ट्रेनिंग किया करते थे, हम सभी जानते हैं, हमने इनके ब्लड एंड गट्स की वीडियो देखी थी, और 1993 के मिस्टर ओलंपिया में जो इन्होंने फिजिक लाई थी, बॉडी बिल्डिंग के हिस्ट्री को ही चेंज करके रख दिया था। सो डोरियन येट्स के कैफ मैसिव कैफ्स थे और बहुत ही वेल डिफाइंड, और जो स्पिल्ट था सोलियस और गैस्ट्रोनोमियस मसल में वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्पिल्ट हुआ करता था। सो डोरियन येट्स आते हैं मेरे 4th रैंक पे। सो 3rd रैंक पे आते हैं तो गोल्डन ईगल टॉम प्लैट्स। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर बॉडी बिल्डिंग में लेग्स के ऊपर वीडियो बने और टॉम प्लैट्स को उस पर मेंशन ना किया जाए। अगर लेग्स की बात आती है तो टॉम प्लैट्स को उस वीडियो में मेंशन करना ही होगा, और अगर सिर्फ कैव्स की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट कैव्स थे टॉम प्लैट्स के। मैंने इनके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है द बेस्ट लेग्स इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री, और मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल लेग्स की बात करें तो टॉम प्लैट्स के लेग्स बॉडी बिल्डिंग के हिस्ट्री में सबसे बेस्ट लेग्स थे। सो कैव्स की बात करें तो हम जानते हैं कि टॉम प्लैट्स ने सबसे पहले अच्छी लेग डेवलपमेंट लाई थी, और आप इस फोटोज में देख ही सकते हैं कि कितने वर्ल्ड क्लास कैव्स थे इनके, क्योंकि इनका जो फ्लो है कैव्स का मसल, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स का मसल एक बहुत ही अच्छे सिमेट्री और प्रोपोर्शन के साथ फ्लो होता है। सो टॉम प्लैट्स लेट 90s और 80s में कम्पीट किया करते थे और बहुत ही जाने माने थे। अपने लेट 1980 के कॉन्ट्रोवर्शियल ओलंपिया हुआ था और बहुत लोगों को लगा था कि उस साल का ओलंपिया टॉम प्लैट्स को जीतना चाहिए था। सो आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या सोचते हैं आप टॉम प्लैट्स के बारे में और इनके लेग डेवलपमेंट के बारे में। क्या टॉम प्लैट्स को 1980 का ओलंपिया जीत सकते, टॉम प्लैट्स या अर्नोल्ड शोजनेगर उस साल का ओलंपिया विन डिजर्व करते थे या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो 2nd रैंक पे मैंने रखा है बॉडी बिल्डर एरिक फ्रैंक हाउजर को। सो बहुत लोग हैं जो एरिक फ्रैंक हाउजर को नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको थोड़ी बात उनके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ। सो एरिक फ्रैंक हाउजर लेट 1980-1999 के बॉडी बिल्डर थे और एक अमेरिकन प्रोफेशनल पावर लिफ्टर भी थे।
सो बहुत ही हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग इनकी होती थी और इनको निकनेम दिया गया था द हाउस। और द हाउस इसलिए क्योंकि इनका जो मैसिव स्ट्रक्चर था और स्पेशली इनके क्वाड्स और इनके हैमस्ट्रिंग्स, उस आप देख ही सकते हैं कितने बड़े थे। सो एरिक फ्रैंक हाउजर ने लेट मिस्टर मिस्टर वेस्ट वर्जीनिया टाइटल जीता था 2005 में और मिड अटलांटिक ग्रैंड प्रिक्स ये टाइटल भी उन्होंने जीत लिया था। सो सबसे बेस्ट लेग्स थे एरिक फ्रैंक हाउजर के और जब वो कम्पीट किया करते थे तो उनकी हाइट थी 5'9" और इनका स्टेज वेट यानी कि कॉन्टेस्ट का वेट हुआ करता था 215 पाउंड्स। सो एरिक फ्रैंक हाउजर ने सिर्फ एक ही मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया था, वो था 2010 मिस्टर ओलंपिया जहाँ पर इनकी प्लेसिंग आई थी 18th। सो एरिक फ्रैंक हाउजर आते हैं सेकेंड रैंक पे और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कैव्स इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री। सो आते हैं हमारे फर्स्ट रैंक पे। सो फर्स्ट रैंक पे मैंने रखा है माइक मैटरवाजो को। सो बहुत लोग हैं जो माइक मैटरवाजो को नहीं जानते होंगे क्योंकि लेट ये 1990s के बॉडी बिल्डर थे और इनकी डेथ हाल ही में हुई थी August 16, 2014 में। सो सिर्फ 48 ईयर्स के थे माइक मैटरवाजो और उनके हार्ट क्लॉग होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। सो माइक मैटरवाजो ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन खेले हैं अपने इसमें और उनका सबसे बेस्ट कॉम्पिटिशन था 1991 NPC USA चैम्पियनशिप जहाँ पे वो फर्स्ट आए। उसके साथ और अगस्त में नाइट ऑफ चैम्पियंस खेला था 1993 में, वहाँ पे वो 8th आए। उसके साथ मिस्टर ओलंपिया 2001 में उनकी प्लेसिंग आई 21st। सो आप देख सकते हैं कि मिस्टर ओलंपिया में इनकी प्लेसिंग कभी टॉप 12 या टॉप 11 के आगे कभी ये प्लेस नहीं हो पाए। सो माइक मैटरवाजो की आप कैफ मसल देख सकते हैं कि कितने बड़े और कितने वेल डिफाइंड कैफ्स थे। और जो मैं हमेशा प्रपोर्शंस की बात करता रहता हूँ मेरे वीडियोस में, सो कैफ के प्रपोर्शंस उनके ओवरऑल बॉडी के प्रपोर्शंस के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मैच हो रही थी। सो माइक मैटरवाजो की डेथ हुई थी हार्ट क्लॉगिंग की वजह से। शायद और कम्पीट कर सकते थे माइक मैटरवाजो और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकते थे। सो आप मुझे बताइए क्या आप मेरी लिस्ट से एग्री करते हैं, क्या आप माइक मैटरवाजो को कंसिडर करते हैं वन ऑफ द बेस्ट कैव्स इन मॉडर्न एंड ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री या नहीं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और उसके साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब अकाउंट क्लिक कीजिए क्योंकि आप ही को फायदा है, क्योंकि जब भी मैं ऐसे कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है और आप मेरी वीडियो सबसे फर्स्ट देख सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम हर्षल मुदिराज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।